आगरा में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार कोरोना ने अपना निशाना आगरा की सेंट्रल जेल को बनाया है। सेंट्रल जेल में 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल 3 मई को वीरेंद्र नाम के कैदी की हालत खराब थी, उसके बाद में 6 मई को उसका कोरोना टेस्ट हुआ, लिहाजा कैदी को सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इसके बाद 9 मई को कैदी वीरेंद्र की मौत हो गई और वीरेंद्र की मौत के बाद में पूरे सेंट्रल जेल में हड़कंप मच गया। इसके बाद में 14 कैदियों और उनके साथ में 13 जेल स्टाफ को कोरोना का टेस्ट यहां पर कराया गया। कोरोना टेस्ट के बाद में 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं। फिलहाल 100 कैदियों को यहां पर क्वारंटीन किया गया है। देखिए, जैसा आप लोग अवगत हैं, एक बंदी को 3 तारीख को यहां से एसएन मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया था तबीयत खराब होने की वजह से, जिसकी बाद में डेथ हो गई थी। ब्रेन स्ट्रोक की उसको प्रॉब्लम थी। उसके बाद जब सैंपलिंग कराई गई 27 लोगों की, जिसमें से 13 हमारे स्टाफ थे और 14 बंदी थे, तो उस सैंपलिंग के रिजल्ट में फाइनली जो आउटकम आया है, 10 बंदी जो हैं उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, 4 बंदी उसमें से नेगेटिव हैं और जो हमारे 13 स्टाफ के लोग थे वो भी सभी नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आई है। ऐसे में हालांकि हम लोग पहले से बहुत एहतियात बरत रहे थे, स्टाफ को और अधिक सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया गया। जहाँ तक इस चीज़ का प्रश्न है कि कैसे अंदर संक्रमण आया, तो ये अभी मेरे ख्याल से इस पर कुछ भी कहना